खोंसा तहसील से बहने वाली वैनगंगा नदी के किनारे बसा छोटा सा रेंगे पार गांव हमेशा किसी न किसी वस्तु अथवा समस्याओं को लेकर सुर्खियों में रहा है। साग सब्जियों के लिए प्रसिद्ध अब इस गांव की मछलियां बाजार में छाप छोड़ रही है। गत दिनों रेंगे पार में ग्रामीणों के पुनर्वास हुआ, जल समाधि आंदोलन राज्य भर में गुंजा था। इस गांव के हीरालाल एवं शिवलाल की जोड़ी परिसर में प्रसिद्ध है। उन्हें सहयोग करने कलाम शेख नामक व्यक्ति हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता है। इस गांव की विशेषता यह है कि प्राकृतिक वातावरण में 12 माह वैनगंगा नदी बहते रहती है। गाँव की काली मिट्टी अच्छी फसल के लिए कारगर साबित होती है। गाँव के कुओं का जल स्तर हमेशा बना रहता है। यहाँ के किसान काफी मेहनती है। बाजार में रेंगे पार के काले बैगन की मांग रहती है, वैसे ही गांव का लाल टमाटर, तेज हरी मिर्ची, भिंडी, गवार एवं चौली फल्ली, करेला आदि सब्जी भाजी की वर्ष भर फसल ली जाती है। रेंगे पार के फनस एवं मीठे आम जितने प्रख्यात है, उतना यह गांव मांसाहारी के लिए भी पहचाना जाता है। इस गांव की गावरानी मुर्गियां, बकरियों का मटन एवं मछलियां परिसर में आकर्षण का केंद्र बना है।